हरे कृष्णा। आज बहुत दिनों के बाद मैंने आज एक वीडियो शूट करने की सोची, बिकॉज़ मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब हो गया था और उसको रिप्लेस करते करते और उसमें सेटिंग करते करते थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। लेकिन मैं आज फिर आई हूँ आप सब भक्तों के सामने बहुत सारी शॉपिंग शेयर करने के लिए, क्योंकि हमारे फेस्टिवल्स शुरू हो चुके हैं बारिश के आगमन के साथ ही। और जब हरियाली पूरी चारों तरफ छाई है तो ये इंडिकेशन होता है कि झूलन और जन्माष्टमी, राधाष्टमी, बलराम जयंती, ये सारे फेस्टिवल्स हमारे लाइनअप हैं और यही सब हमको शुरू करने जाना है, इनकी सब तैयारी। तो मैंने भी बहुत सारी शॉपिंग की इस दौरान, बहुत सारी की, लेकिन मैं ये सब कुछ आपको शेयर नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जो हाइलाइट्स हैं मेरे शॉपिंग के, जो बहुत सुंदर सुंदर आइटम्स मैंने लिए, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम अपने नंदी बैल से शुरू करते हैं। ये नंदी तो नहीं है, ये हमारी गौ माता है उनके वासरों के साथ, गौ वासर ऐसे बोलते हैं इसको। ये हमारी गौ माता है अपने छोटे बछड़े के साथ। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा पीस है, बहुत ही सुंदर सा, इसके गले में घंटी भी है और बहुत सुंदर इसकी फिनिशिंग है। आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी ये सब आपको दिखे। और ये मैंने अपने इस्कॉन टेम्पल से लिया है, NVCC से, तो इसका 170 प्राइस है। तो गो ब्राह्मण हिताय च, ऐसे भगवान अपने बारे में कहते हैं जब डिस्क्रिप्शन देते हैं भगवान, तो गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान कौन है जो गो और ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं, हित सोचने वाले हैं, वो भगवान हैं। क्योंकि गो गो और गो माता और जो ब्राह्मण है वो भगवान को अति प्रिय है। तो ये मैंने अपने ऑल्टर में, अपने भगवान के गर्भगृह में, अपने मंदिर में रखने के लिए लिया है। ये बहुत शुभ भी माना जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा ये भगवान को प्रिय है, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो ये मेरा फर्स्ट आइटम था। भगवान को वनमाला, गुंजमाला बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये एक छोटी सी गुंजमाला जो होती है, जो गुंज हमारे यहाँ नहीं मिलते, लेकिन जंगलों में या जिनके यहाँ बहुत ऐसे हरियाली होती है वहाँ बहुत आसानी से मिलते हैं। तो ये गुंज दो प्रकार के हैं, इसमें रेड और वाइट वाले, तो ये भी बहुत कम इसमें मुझे मिल गई थी, इट्स ओनली 60 रुपीज़ में मुझे ये मिल गई थी। अगर आप जिनके घर के पास आंगन है या वन है या ऐसे कोई हरियाली वाला क्षेत्र है जिनको ये बहुत आसानी से एक्सेसिबल हो जाता है, उनको ये महंगा लग रहा होगा, लेकिन हम जो शहरों में रहते हैं उनको ये बहुत सस्ता लगता है, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है जितने गांवों में होते हैं, जो वनों में होते हैं। तो ये हमारा गुंजमाला है। अब मैं बांसुरी दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये बांसुरी देखिए, बहुत सुंदर सी बांसुरी है। थोड़ा सा ओपन करना मैं ऐसे भूल गई थी, लेकिन ये ऐसे निकल के आ गई। देखिए ये पूरा AD का बांसुरी है, मैंने इसको जन्माष्टमी के हिसाब से लिया है और कृष्ण का प्यारा मोर पंख इसमें है ही, तो मेरे ख्याल से मेरे राधा गोविंद जी को ये बहुत पसंद आएगा। बांसुरी खोली है तो दूसरी भी बांसुरी खोलते हैं। ये सिंपल है, जो AD की जो बांसुरी है उसमें नहीं है, लेकिन सिंपल स्टोन में है, तो ये रोज़ यूज़ करने के लिए हम लोग ले सकते हैं। फिर ये तीसरी मेरी बांसुरी मुझे जो पसंद आई, वो मैं सोच रही थी कि राखी या कोई फेस्टिवल जब आएगा, झूलन या राधाष्टमी, तब मैं अपने गोविंद जी के हाथ में ये पधराऊंगी। देखिए कितना सुंदर सा है, बहुत सुंदर राधे लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो मेरे ख्याल से मेरे गोविंद जी को ये पसंद आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बांसुरी देख लिए, अब आपको दिखाती हूँ जो मैंने नेकलेसेस लिए। तो ये भी AD के नेकलेसेस हैं, प्योर AD में नेकलेसेस हैं, काम है इनका, और इसका रेट कुछ 666 है। ये मेरा पहला नेकलेस हुआ जो हैवी वाला नेकलेस है। फिर ये सेकंड नेकलेस है, जो ये भी AD में है, रेड में है, मुझे ये बहुत अच्छे लगा तो मैंने ले लिया। ये भी कुछ 454 का है। और उसके बाद में ये देखिए, ये पिकॉक का हार जो है, ये भी मुझे बहुत पसंद आया, और ये स्पेशली जब मैं ऑफ़र करूँगी तो ये पिकॉक की बांसुरी और ये पिकॉक का नेकलेस, ये दोनों मैं साथ में भगवान जी को ऑफ़र कर दूँगी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, क्या आइटम लगा,
और उसके बाद मुझे बताना है कि आपने अपने लिए क्या क्या खरीदा, अपने लड्डू गोपाल के लिए, अपने भगवान के लिए क्या क्या श्रृंगार का सामग्री तैयार कर ली है जन्माष्टमी के लिए या आने वाले फेस्टिवल के लिए। ये हमारा चौथा वाला नेकलेस है जिसमें पिंक और ग्रीन और हमारा डायमंड और प्लस यहाँ पे एक ब्लू कलर का भी एडेड ये है लटकन। तो ये हमारी ये वाली बांसुरी के साथ बहुत अच्छे से फिक्स हो रहा है। ये जो सेट है वो पूरा बन जाएगा, बस इसका डिफरेंस आ रहा है लेकिन इतना मेरे ख्याल से चलेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसको अज्यूम करके ऐसे सोच करके ले लिया। तो ये मेरे नेकलेसेस भी हो गए भगवान के लिए जो मैंने लिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम ये पायल पे। देखिए पायल आपको दिख रही होगी, ये बहुत छोटी है, हमारे गोविंद जी के पेरेंट्स में भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा उनको ब्यूटीफुल वाला सा पायल पहनाने की सोची क्योंकि मुझे मिल गया अच्छा छोटा साइज़, तो मैं ये ले आई उनके लिए। हालांकि उनको होगा नहीं लेकिन मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके उनको पहना दूंगी। आपको थोड़ी सी झलक दिख रही होगी और ये उसमें दूसरा कलर है सेम मेरी राधा रानी के लिए, गोविंद जी के लिए। और ये वाला, ये दो, तो ये दो पैर मैंने लिए हैं अपने पायल और पायल अपने गोविंद जी के लिए और अपनी राधा रानी के लिए। फिर आते हैं कलंगी पे। अब ये कलंगी बहुत सुंदर है, ये भी एडी पे ही है, तो इसमें एडी का जो काम है बहुत सुंदर हो रखा है। और देखिए ध्यान से मैं आपको फोकस करके दिखाती हूँ, बहुत प्यारा पीस है। जब ये ठाकुर जी के श्रीमुख पे जाएगा, पगड़ी पे जाएगा, तो कितना सुंदर दिखने वाला है। बहुत ही सुंदर इसका लुक आ रहा है और ये ऐसे ही बहुत सुंदर दिख रहा है। जब ये भगवान पे चढ़ेगा तो ये चार चांद लगा देगा, खुद को, भगवान को नहीं, खुद को, भगवान इसको चार चांद लगा देंगे। इसके बाद एक और ये कलंगी है मेरी, ये मैंने देखिए ली है, बहुत सुंदर सा वर्क है। हालांकि ये कलंगी भी थोड़ी बड़ी ही है मेरे गोविंद जी के हिसाब से, लेकिन मैंने सोचा या तो मैं राधा रानी के पीछे जो उनकी जो मांग टीका होता है या जो बन होता है उनके पीछे, तो वहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा हाइट ऊपर हो जाती है, हाइट और अच्छी दिखती है, बहुत अच्छा दुपट्टा निखर के आता है, तो मैं वो बन में डालने की सोच रही हूँ, या फिर मेरी वृंदा देवी के बन में या टियारा में ऐसे कुछ एडजस्ट करूँगी ऐसा सोच रही हूँ, या फिर मैं अपने वृंदा देवी के हाथ में भी इसको पकड़ा सकती हूँ एज अ लोटस, लोटस का बर्ड। तो ऐसे तीन चार थॉट मैंने दिमाग में रख के इसको परचेस किया था। और ये लास्ट कलंगी है आज की जो मैंने खरीदी, देखिए बहुत सुंदर है, ये भी एडी में ही है। एडी का एक्चुअली जो सामान हम लोग पहनते हैं, ज्वेलरी, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम लोग कैरी करते हैं, वैसे ही सेम अब भगवान के लिए भी हमको मिलने लगी है। ये ओपन नहीं हो रहा है मेरे से, मैं ओपन करना भूल गई थी इसको, तो मैं इसको ऐसे ही दिखाती हूँ। ये एडी का है, पूरा पूरा एडी का है और बहुत सुंदर सा पीच और पिंक कलर इसमें दिया हुआ है। तो मैंने ये जगन्नाथ जी और बलदेव जी के माथे पे लगाने के लिए, उनके टर्बन पीस के लिए लिया है। तो देखेंगे अब इसके साथ उनका श्रृंगार क्या ही रंग लाता है और कितने ही मनमोहक दिखते हैं। अब स्नान यात्रा भी आने ही वाली है, सॉरी स्नान यात्रा नहीं, अब हमारी रथ यात्रा आने वाली है। स्नान यात्रा जस्ट अभी गई है, तो अभी जो रथ यात्रा आने वाली है पहांडी होगी, उसमें जो दर्शन होंगे वो तो अद्भुत ही होंगे। तो बस प्रे करते हैं कि भगवान इसको एक्सेप्ट करके ले लें। तो ऐसे करके मेरी जो ये शॉपिंग वो मैंने आपको सब अब दिखा दी है। हाँ, ये एक चीज़ बच गई थी बस, ये हमारी बिंदिया है, ये भी एडी में ही है, ये सब इनसे मैच करती हुई है, ये जो है सारा इससे मैच हो रहा है। तो ये पिंक कलर जनरली फीमेल्स को बहुत अच्छे से पसंद होता है, तो मैंने सोचा कि ये बिंदिया ले लेती हूँ, राधा रानी को शायद पसंद आ जाए और वो ग्रहण कर लें। और राधा रानी के लिए हमने एक बहुत ही स्पेशल चीज़ ली है, वो है ये छोटे छोटे पैरट्स। आप सब जानते होंगे राधा रानी के जो मैसेंजर्स हैं वो हैं ये छोटे छोटे पैरट्स। ये पूरे ब्रज में घूमते रहते हैं और राधा रानी को हर पल की, हर भक्त की खबर देते रहते हैं। तो ये बहुत सुंदर से पैरट मुझे मिले, तो मुझे लगा कि ये राधा रानी के पास मेरे ऑल्टर में, मेरे देवघर में, मेरे भगवान के घर में
बहुत अच्छे से आ जाएंगे और मैं इनको रखना पसंद करूंगी, ऐसा मैंने सोच के इनको लिया। और राधा रानी के पास ये रहेंगे तो मेरी खबर पहुंचाते रहेंगे, इसीलिए भी लिया मैंने। और अब लास्ट आते हैं ये जो हमेशा मैं एक दो कलर तो लेके आती हूँ, वो है ये स्टॉकिंग्स। तो ये स्टॉकिंग्स के जो कपड़े हैं ये मुझे हर वीडियो में लोग पूछते हैं कि ये क्या मटेरियल है, ये कहाँ मिलेगा और इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं। तो जो पूना में हैं, जो NVCC के आसपास रहते हों, तो वो इस्कॉन टेम्पल आ सकते हैं और ले सकते हैं। देखिए सिर्फ 12-13 रुपये 15 रुपये में मिल जाता है ये, करीब करीब आधा मीटर भी नहीं होगा लेकिन इतना तो है ही कि हमारी पगड़ी बन जाती है भगवान की आसानी से। तो ये जो स्टॉकिंग का कपड़ा है आपको बहुत अच्छे से मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस मुझे सबसे ज़्यादा आते हैं कि भगवान की पगड़ी के लिए आप क्या मटेरियल यूज़ करते हैं। तो ये वो मटेरियल है और ये मटेरियल कहलाता है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग है, इसको क्राफ्ट फ्लावर्स जो है उसके लिए यूज़ करते हैं। क्या होता है, तार जैसा कुछ होता है तो तार का वो पेटल बनाते हैं, पेटल शेप का, और उसमें इसको ऐसे खींच लेते हैं तो ये वो फ्लावर का रूप ले लेता है, फिर 5-6 पंखुड़ियाँ ज्वाइन करके उसको बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये स्टॉकिंग फ्लावर का यूज़ हो जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होता है। होता ये कॉटन जैसा ही सॉफ्ट, एकदम प्यारा सा मटेरियल जो बिल्कुल भी भगवान को कष्ट नहीं देता है, बहुत अच्छे से भगवान के पगड़ी में बन जाता है, बालों के ऊपर भी और बिना बालों के भी बहुत अच्छे से श्रृंगार में ये घुल मिल जाता है। तो इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे ये नियॉन कलर में है, ये नियॉन में ही है लेकिन ये ट्विन शेड में है, ये प्लेन शेड्स हैं, ये ट्विन शेड में है। तो ये ऐसे बहुत सारे आपको कलर्स अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, या कोई क्राफ्ट शॉप हॉबी शॉप में होगी तो उसमें सब जगह आपको अवेलेबल होता है। ये मैं बार बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेरी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टर्बन को लेकर आती है। तो होप करती हूँ आज का ये मेरा शॉपिंग और मेरा जो भाव है राधाष्टमी का, जन्माष्टमी का, और भगवान को सेवा करने का, उनकी उनके लिए अपने तरफ से थोड़ा सा प्रयास करने का, वो सब आपको पसंद आ रहा होगा। और आपको पसंद नहीं भी आ रहा है, आपको इंस्पायर कर रहा है, तो मेरा जो भी मोटिव है, जो भी मेरा उद्देश्य है, ये सब आपको दिखाने का, प्रेरित करने का, वो सब सक्सेस बन जाएगा। तो अगर आपको कोई भी कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, आपको कुछ पसंद आया हो, कुछ नहीं पसंद आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए और मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।